bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum to every student i hope you all are fine good today i am going to deliver the lecture number 2 class 3 subject is science date is 7th may 2021 and day is friday students previous lecture mein hum unit number 1 ke lesson number 3 ki reading ki thi होपफुली और डिक्टन भी करनी थी तो कि आप लोगों को आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और डिक्टन भी लर्न की होगी और नोट्स पे हमारा पेज नंबर थ्री है तो आइए हम लोग रीडिंग कर चुके हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं आपको पता है जो ईयर है बेटा वो हमारी बॉडी पार्ट में से एक पार्ट है ठीक है अल्लाह तला ने हमारे साथ इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द अपने जो एनवायरमेंट है उसमें जितनी भी साउंड्स हैं वो इजीली सुन सके और हमें समझ आ सके कि हमारे क्या हो सकता है ठीक है इसके अलावा जो ईयर है हमें बैलेंस रहने में यानी अगर हम चल रहे हैं तो हमें इधर उधर नहीं गिरने देंगे बैलेंस रहने में बैठने में बैठे हुए बिल्कुल बैलेंस रहने में हेल्प करते हैं इसके अलावा बेटा आपको पता है जो ह्यूमन एडल्ट बॉडी है उसमें थ्री टाइप्स उसमें बोन्स पाई जाती हैं टू हंड्रेड सिक्स बोन्स ठीक है उन 206 बोन में कोई बोन बड़ी है कोई छोटी है लेकिन जो सबसे ज्यादा छोटी बोन्स है ना वो हमारे ईयर में पाई जाती है और वो थ्री बोन्स होती है कौन सी बोन्स हो, बोन्स होती है वो? मैं बताती हूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैमर उसके साथ एनअल और नेक्स्ट है ये हैंडल सा जो बना हुआ इसे कहते हैं स्टिरप ये थ्री बोन्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी वाली स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं ठीक हो गया नेक्स्ट है अल्लाह ताला ने हमारे ईयर को थ्री सेक्शन में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है आउटर ईयर आउटर ईयर में ये चीज और ये ईयर कैनल आ जाती है ठीक हो गया ईयर कैनल से आगे ईयर ड्रम ईयर ड्रम जो है वो ईयर आउटर ईयर को और आगे मिडल ईयर को सेपरेट करता है ठीक है और ये जो मैरून वाला है और इसमें जो हैमर एनवल और स्टिरप है ये दोनों ये जो है ये इस मिडल ईयर बोन्स में मिडल ईयर में ये बोन्स आ रही हैं उससे नेक्स्ट ये जो पर्पल वाला है बेटा यहाँ से इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है हमारा इसको कोकलिया बोलते हैं बेसिकली ठीक है यहाँ पे यहाँ से इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर से आगे ये वाली जो नर्व है ये हमारी ब्रेन की तरफ जा रही है ठीक है ये हमारे ब्रेन की तरफ आ जा रही है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आउटर ईयर क्या काम करता है हमारा आउटर ईयर क्या करता है जैसे ही साउंड्स हमारे ईयर के पास से गुजरती हैं जैसे मैं बोल रही हूँ और साउंड जो है वो ईयर के पास से गुजर रही है हमारा ईयर उन साउंड कैच करेगा आउटर ईयर और ईयर कैनल में से उसकी वेव्स गुजरेंगी जैसे ही वो वेव्स ईयर ड्रम पे आगे लगेंगी ड्रम पे आपको पता है जब कोई लगाते हैं तो वहां पे आवाज पैदा होती है और आवाज बार बार मूव करती है ठीक है ऐसे लगता है कितनी बार उसको हिट किया गया है ठीक है तो ईयर ड्रम में जो है वाइब्रेशन साउंड जो है वो वाइब्रेशन में चेंज हो जाती है उन वाइब्रेशन को आगे मिडल ईयर के थ्रू यानी हैमर एनोदर स्टेप के थ्रू गुजार कर यहाँ पे इनर ईयर में लेके आते हैं इनर ईयर से आगे जो हमारी वाइब्रेशन साउंड की वाइब्रेशन होती हैं वो इस नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि आपको क्या कहा जा रहा है या आपको क्या सुनाई दे रहा है यानी मैं बोल रही हूँ लेकिन समझ तो आपको फौरन आ रही है फौरन तो आ रही है लेकिन उसके पीछे इतना ठीक है इतना लंबा प्रोसेस होता है और फिर हमें समझ आती है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि आपको ये कहा गया आउटर ईयर से मिडल ईयर में मिडल ईयर से फिर इनर ईयर में जाता है इनर ईयर से फिर जाके ब्रेन में जाता है और फिर हमारा ब्रेन बताता है कि आपको ये कहा गया है ब्रेन जो है सेंस बताता है हमें साउंड की जो हमें बताई गई होती है जो हमें कही जा रही होती है ठीक है इसके अलावा आपको पता है बेटा कि हमारा जो होते हैं वो सो रहे होते हैं जब हम तब भी वो वर्क कर रहे होते हैं ठीक है वो इसलिए बनाए सिस्टम ताकि हमारे इर्द डेंजरस काम हो या कुछ भी हो जैसे कोई जाती है अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए जो अच्छा ना हो तो हमें फौरन हमारे ईयर्स कहते हैं कि ऐसा हुआ है और हम फौरन से उठ जाते हैं क्योंकि हमें फील हो जाता है कि कोई डेंजरस काम हो चुका है ठीक है यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपने आपने अपने इर्द गिर्द की साउंड सुननी है जैसे क्लासरूम में होते हैं तो बिल्कुल खामोशी होगी तो फिर भी आप देखेंगे कि जो अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो पेंसिल जो है नोटबुक पे पेंसिल के चलने की आवाज आएगी आपको पेंसिल शॉर्प कर रहे हैं तो उसकी आवाज भी आएगी यानी बहुत हल्की सी हल्की आवाज भी हमारे ईयर्स जो है वो सुन लेते हैं और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि आपको ये कहा जा रहा है जी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ ईयर्स के क्वेश्चंस की तरफ जी यूनि नंबर वन का लेसन नंबर थ्री है जिसका टॉपिक है इयर्स क्वेश्चन नंबर वन है हाउ डज ब्रेन हेल्प आज टू हियर हमारा ब्रेन हमें हियर करने में सुनने में कुछ भी कैसे हेल्प करता है तो अभी हमने देखा है कि ब्रेन हैचेज ए साउंड वेव्स एंड मेक सेंस ऑफ दैट साउंड यानी हमारा जो ब्रेन है उसको जैसे ही साउंड की वाइब्रेशन वहां पे मिलती हैं जी स्टूडेंट यहाँ पे वेव्स लिखा है वेव्स को आप कट करके वाइब्रेशन लिख लें ठीक है तो जैसे ही ब्रेन के पास जाता है इतना आउटर ईयर से मिडल ईयर से इनर ईयर से होती हुई साउंड जैसे ही साउंड की जो वाइब्रेशंस है वो ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन हमें बताता है कि आपको ये कहा जा रहा है उसका उसकी सेंस बता दी जाती है ठीक है एंड मेक सेंस ऑफ दैट साउंड नेक्स्ट है वट आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर के डिफरेंट सेक्शन थ्री है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन से है ये हम देख लेते हैं सेक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर आर आउटर ईयर मिडल ईयर और इनर ईयर ये थ्री सेक्शन है आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करके इनको शीट पे रिटर्न करना है और फिर स्कूल में सबमिट करवाना है अब कल आप स्कूल में अपना होमवर्क सेचरडे को सबमिट करवा देंगे और आप स्कूल से वर्कशीट ले जाएंगे और वो सॉल्व करने के बाद दोबारा आप स्कूल में ही सबमिट करवाएंगे तो आज के लिए इतना ही होप फुली की आपको समझ आ चुकी होगी अल्लाह हाफिज